भाई मोदी। કેમ છો બધા? મજામાં? મંચ પર બિરાજમાન દમણ દીવ તથા દાદરા નગર હવેલી કે પ્રશાસક શ્રીમાન પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ, સંસદ મેં મેરે સાથી શ્રીમાન લાલુભાઈ પટેલ, ઓર દાદરા નગર હવેલી કે સંસદ કે મેરે સાથી શ્રીમાન નટુભાઈ પટેલ, और विशाल संख्या में पधारे हुए दमन के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वट पड़ी थी जाओ तमें शायद दमन के इतिहास में इसके पहले न कभी इतना बड़ा जन सैलाब आया होगा, और न ही कभी दमन के दीव के विकास के लिए करीब करीब 1000 करोड़ रुपयों की योजनाएं कभी लागू की गई होगी, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से दमन दीव दादरा नगर हवेली ये पूरे क्षेत्र में एक विकास का नया माहौल पैदा हुआ है, आज दमन एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। दमन में हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं होगा जहां के दो पांच परिवार दमन में रहते ना हो। हर किसी ने दमन को अपना घर बना दिया है, और इसलिए जो बातें हम दिल्ली मुंबई में देख रहे हैं, वैसा ही सामाजिक जीवन हमें दमन में नजर आता है। एक अपनापन, एक भाईचारा, अनेक भाषाओं में बोलने वाले लोगों का समूह, और आज जब मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था, मैं पूरे रास्ते भर दोनों तरफ देख रहा था, जैसे हिंदुस्तान का हर कोना उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। भाइयों बहनों, મને કહ્યું કે દમણમાં અને દમણના આખા વિસ્તારમાં, જિલ્લામાં જબરજસ્ત સફાઈ અભિયાન ચાલ્યું છે, એકદમ સફાઈ થઈ ગઈ, ચારે તરફથી કચરો ઉપડી ગયો, ખરેખર થઈ ગયો,
पहला कोई दी आटलू साफ थयु तू दमण थयु तू तो हवे साफ राखवानी जवाबदारी आपड़ी खरी कि नहीं पाजा ढीला पड़ी गया ने आपड़ी खरी कि नहीं आप बद्दा दमणवासियों संकल्प करे कि चलो हवे सरकारे साफ सफाई करी दी थी पण हमें दमणना लोको हवे गंदगी नहीं करिए करी सकाय नक्की हाथ ऊपर करो तो जरा पक्को अन जेमने हाथ ऊपर नहीं करे शू करशे दमण में इतनी स्वच्छता के प्रति जागरूकता और दमण में इतना बड़ा सफाई का अभियान दमण एक प्रकार से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और जब सफाई होती है तो लोगों को बाहर से आने का मन करता है अगर टूरिज्म बढ़ता है तो यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलती है और आज दमण दीव से जुड़ गया है हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ गया है और इसलिए दक्षिण भारत की तरफ से जो यात्रा करने का आना चाहते होंगे सोमनाथ जाना चाहते होंगे गिर के सिंह देखना जाना चाहते होंगे वो दमण आएंगे और हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे आप देखिए दमण का कितना विकास होगा और अब दीव से भी अहमदाबाद के साथ जोड़ दिया गया है एंड एक प्रकार से दीव और दमण विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं भाइयों बहनों मुझे बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में दमण ओडीएफ के रूप में अपने आप को सज्ज कर लिया है ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में शौच जाने से मुक्ति यहां पर 2000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए मैं अपने आप में इस काम के लिए प्रशासन को और यहां के जागरूक नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि आपने ये ओपन डेफिकेशन फ्री सार्वजनिक स्थान पर शौच से मुक्ति ये एक प्रकार से मातृ सम्मान का आंदोलन है नारी सम्मान का आंदोलन है और मैं तो उत्तर प्रदेश जब गया था एक बार मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाने का अभियान था तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बढ़िया काम किया है उन्होंने टॉयलेट पर बोर्ड लगाया है और उसका नाम रखा है इज्जत घर और हकीकत है शौचालय ये इज्जत घर है हमारी माताओं बहनों की इज्जत के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है तो आज आपने उस काम को भी कर दिया है दमण में एक ग्रीन मूवमेंट चल पड़ा है स्वच्छता का अभियान हो ई रिक्शा की बात हो सीएनजी टैक्सी की बात हो और मैं अब आप भी दमण में एक नया रूप देखेंगे कि यहां की बहन बेटियां ई रिक्शा लेकर के दमण में चलती होगी और दमण के पर्यावरण की भी रक्षा करेगी और जिस दमण में एक प्रकार से ये शांति प्रिय इलाका है ये दंगा फिसाद वाला इलाका नहीं है मिलजुल करके रहने वालों का इलाका है इसमें जब माताएं बहनें
वही रिक्शा चलाती होगी तो स्वाभाविक रीते उन पैसेंजर के रूप में सुझाते होंगे, उनके मन में भी माताओं बहनों के प्रति अधिक सम्मान बढ़ेगा और दमन की एक नई पहचान बनेगी। सीएनजी मूवमेंट हो, ई रिक्शा का मसला हो, या यहां पर एलईडी बल्ब लगाने का अभियान हो, करीब 1,40,000 एलईडी बल्ब इतने छोटे से क्षेत्र में बांटे गए हैं और इसके कारण जिनके घर में बिजली है उन घरों में बिजली के बिल में जो कमी आई है, बिजली के बिल के पैसे बचे हैं, अकेले दमन में मध्यम वर्गीय परिवार के करीब करीब 7 करोड़ रुपए की बचत एलईडी बल्ब लगाने से बिजली के बिल में हुई है और यह हर वर्ष होने वाली है। मैं समझता हूं कि यहां दीर्घ दृष्टि से जो योजनाएं बनाई गई हैं, आज भी हमारे देश में कारखाने लगते हैं लेकिन मजदूरों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है। वो कारखाने में आते हैं, काम करते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, उनकी कोई डिग्निटी है कि नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि दमन एक औद्योगिक नगरी है, देश भर के लोग मजदूरी के लिए यहां आते हैं और एक एक छोटे छोटे कमरे में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। वो जब नौकरी पे जाता है तो दूसरी टोली सो जाती है, वो नौकरी से वापस आता है वो सो जाता है और पहले वाला नौकरी पे चला जाता है। सोने के लिए भी शिफ्ट सिस्टम चलता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उत्तम मॉडल बना करके दमन में मजदूरी करने के लिए आए हुए लोगों के लिए एक उत्तम प्रकार का रहने की व्यवस्था, उसका भी आज आरंभ हो रहा है। इसके कारण मजदूरों की जिंदगी में बदलाव आएगा और सबसे बड़ा जिन उद्योगकारों ने उसमें सरकार से पार्टनरशिप करने के लिए आगे आए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं इन मजदूरों को, इन हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अगर रहने की अच्छी जगह मिल जाए, खाने की सुविधा मिल जाए तो वो अपनी जो ताकत है वो पूरी की पूरी आपकी फैक्ट्री में उत्पादन के अंदर लगा देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। आपने मकानों में जो धन लगाने वाले हो उससे ज्यादा धन ये मजदूर हमारे ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करके एक साल में आपका मुनाफा बढ़ा देंगे, ये मेरा विश्वास है। ये खुशी की बात है कि आज यहां ज्यादातर हमारे श्रमिक भाई बहन अकेले रहते हैं, गांव में मां बाप को छोड़कर यहां आए हैं और जो भी मिल जाए वो खा करके गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज इन श्रमिक भाइयों बहनों के लिए अच्छा खाना मिले, एक श्रमिक खर्च कर सके उतने पैसों में मिले, इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से भोजन का प्रबंध करने का भी आज यहां प्रारंभ हो रहा है। इसका लाभ भी आने वाले दिनों में यहां के मजदूर भाइयों बहनों को मिलने वाला है। अच्छा खाना मिले, अच्छी नींद के लिए जगह मिल जाए, सुबह प्रातः विधि स्नान करने के लिए व्यवस्था मिल जाए, मैं समझता हूं वो श्रमिक इस दमन और इस देश के विकास के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आज भी हमारे देश में कई शहर होंगे जहां 100% ट्रीटेड वाटर शायद पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा कहना कठिन है, लेकिन अभी यहां मुझे बताया गया कि दमन के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लान के कारण अब दमन के नागरिकों को ट्रीटेड वाटर मिल जाता है, पीने का पीने योग्य शुद्ध पानी उनको प्राप्त हो जाता है। यानी सामान्य मानवी की सुखाकारी उसकी चिंता। आज यहां हमारे देश में माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर ये कम करने के लिए हमारे यहां कुपोषण से मुक्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से अरबों खरबों रुपया खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज दमन ने एक नई पहल की है। भारत सरकार की इस योजना को उस परिवार में जहां 14-18 साल की बेटियां हैं, जहां प्रसूता माताएं हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पोषक आहार मिले, इसलिए एक आहार की किट हर महीने उनको देने का काम, और उसका आज मेरे हाथों से कुछ परिवारों को देने का सौभाग्य मिला। मैं आशा करता हूं कि इन परिवारों में ये जो सरकार की तरफ से मदद मिली है उसका उपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये आ गया तो घर में पहले लाते थे वो बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो पहले खर्चा करते थे उससे ये अतिरिक्त है, तभी जाकर के आपकी 14-18 साल की बेटी के शरीर का विकास होगा। अगर उस बेटी के शरीर का विकास होगा, वो अगर सशक्त होगी, जब मां बनेगी तो बच्चा भी सशक्त मिलेगा, और जिस देश का बच्चा सशक्त होगा वो देश भी सशक्त बनेगा। ये काम इस योजना के तहत हो रहा है। भाइयों बहनों, दीव अब स्मार्ट सिटी में उसका नाम नंबर लग गया है, अनेक विध योजनाएं दीव के साथ जुड़ी हैं। यहां पर आपका यूनिवर्सिटी का सपना था ना, आपको लगता था कि सूरत नर्मदा यूनिवर्सिटी से कब तक रहेंगे, भारत सरकार ने आपको भी एक यूनिवर्सिटी देने का निर्णय किया। हमारे मछुआरे भाई बहन केरोसिन पर बैठ, मुझे खुशी है कि हमारे माछीमार भाइयों बहनों को वेट की ड्यूटी जीरो कंटिन्यू कर दी जाएगी, ताकि लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे माछीमार भाइयों से कहना चाहता हूं, और मैं श्रीमान प्रफुल्ल भाई और हमारे के एमपी को भी कहना चाहता हूं, हमने सिर्फ यहां पर अटकना नहीं है। अब भारत सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत हमारे माछीमार भाइयों बहनों के लिए एक लॉन्ग रेंज की बोट प्रोवाइड करने की दिशा में कदम उठाया है। अगर आप 5-10 मछुआरे इकट्ठे होकर के मंडली बना देंगे, बैंक से आपको लोन दिया जाएगा, उसमें सब्सिडी दी जाएगी, और आप ये नई बोट लेकर के डीप सी में जा सकेंगे, और डीप सी में आप सबसे ज्यादा कैच ले सकते हैं, उत्तम प्रकार की मछली ले सकते हैं। यहां नजदीक में आप भटकते रहते हैं, और 12 घंटे काम करने के बाद जितनी मछली लेके आते हैं, ये नई बोट के सहारे अंदर जाकर के वही काम 2 घंटे में कर करके आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि दमन के समुद्री तट पर, दीव के समुद्री तट पर
एक स्पेशल प्रोजेक्ट हाथ लिया जाए और उस प्रोजेक्ट के तहत यहां के मछुआर परिवारों के द्वारा सीवीड की खेती की जाए। समंदर के अंदर खारे पानी में हो जाती है और वो जो पैदाइश हो वो हमारे खेतों में लोग डालें, उससे उत्तम कोई फर्टिलाइजर नहीं हो सकता है, उससे उत्तम कोई फसल नहीं हो सकती है। बहुत आराम से इस काम को किया जा सकता है और मैं चाहूंगा कि प्रफुल्ल भाई इसको इनिशिएटिव ले और इस काम को एक नया मॉडल देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करें और मुझे विश्वास है कि दीव दमन के क्षेत्र में ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। भाइयों बहनों, चाहे कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, घरों में एलईडी बल्ब लेने की बात हो, रास्ते बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, सामुद्रिक मार्ग से भी द्वीप को जोड़ने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 15-15 घंटे जहां लगते थे, आधा घंटा एक घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कितना समय बचेगा, कितने पैसे बचेंगे और यहां के लोगों को कितना लाभ होगा। भाइयों बहनों, दमन एक विकास की नई ऊंचाइयों पर जाए। हमारा दीव, दमन, सिलवा से पूरा क्षेत्र देश के रूप में सामने एक मॉडल के रूप में खड़ा हो, ये पूरा मेरा विश्वास है। और आज आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये आप जो खूब खूब अभिनंदन तुम्हें बधाई, धन्यवाद।